आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक है? आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है, मैं यहाँ पे नंबरिंग करते हुए चलता हूँ। पहले विकल्प में आपको दिया गया है, पहला वाला जो पार्ट है ये है NH3 और BF3, यानी अमोनिया है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। और दूसरा विकल्प आपके पास दिया गया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और आयोडीन पेंटाक्लोराइड दिया गया है ICl5। तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है XeF2 और IF2 सिंगल नेगेटिव, यानी कि एक बार माइनस का चार्ज लगा हुआ है। और चौथा विकल्प है कार्बोनेट और सल्फेट जो है आयन्स के बारे में दिया गया है। सल्फाइट आयन है, कार्बोनेट आयन है और सल्फाइट आयन है। ये आपको चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है समसंरचनात्मक है। समसंरचनात्मक का अर्थ होता है आइसो स्ट्रक्चरल, यानी जिनके स्ट्रक्चर, जिनकी संरचनाएं, जिनका आकार प्रकार सब समान है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, हल वाले भाग को देखते हैं। हल में हम एक एक विकल्प के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि NH3 यानी अमोनिया जो है, इसका हम आपको आकार यानी इसका स्ट्रक्चर बना करके हम आपको देते हैं। जो NH3 है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आपके पास हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन और उसके बाद में इसके ऊपर लगा हुआ एक लोन पेयर, ठीक। BF3 यानी हम पहले युग्म की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है पहला विकल्प है BF3। इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये B है, ये F है और 3 F है आपके पास, BF3 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। तो ये हो गए पहले विकल्प के लिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला विकल्प। और दूसरे विकल्प में चर्चा करते हैं हम, ध्यान से देखते रहिए। दूसरे विकल्प में हमारे पास दिया गया है PCl5 और ICl5, इस तरीके से आपके पास ये विकल्प दोनों दिए गए हैं। अब ध्यान से देखते रहिए इन दोनों को। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, पहले मैं संरचना बना देता हूं PCl5 का। इसका संरचना कुछ इस तरह से होगा, फास्फोरस है और उसके बाद के पास 5 क्लोरीन है। तो 5 क्लोरीन बनाने के लिए आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि ये 4 हमारे पास, यहाँ पे एक क्लोरीन है ना, और हमारे पास फिर यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन और ये सुदूर ऊपर और नीचे एक एक क्लोरीन बैठ जाएंगे, ठीक। इसमें कोई लोन पेयर नहीं बना। अब हम बात करते हैं ICl5 वाले की। जब हम ICl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं तब इसको ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन के बाद में इसके पास आपको बनाने हैं 5 क्लोरीन। तो 5 क्लोरीन जब आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ रहेगा कि आपके पास क्लोरीन 5 है तो आप बनाइए, पहला है क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये हमारे पास है तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन कुछ यहाँ पे और यहाँ पे एक लोन पेयर ऊपर की दिशा में आपने बना दिया, ठीक। तो ये हो गए 4 और एक 5, यहाँ पे ये, यहाँ पे 5, ठीक। हो गए हमारे पास कितने क्लोरीन, मैं इस क्लोरीन को थोड़ा सा और बार एक बार रीअरेंज करवा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये 5 क्लोरीन बनाने हैं हमें। ये है हमारा एक क्लोरीन यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में आपको एक लोन पेयर दिख रहा है, ये वाला एक लोन पेयर दिख रहा है। अब इसका मतलब है कि इस विकल्प में एक लोन पेयर है ना, और एक में लोन पेयर नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले के पास। तीसरा वाला जो हमारे पास है, तीसरा जो विकल्प है, उस तीसरे विकल्प को एक बार ध्यान से लिख लेते हैं। तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है XeF2 और IF2 सिंगल नेगेटिव है ना, XeF2 है और दूसरा है IF2 है ना, IF2 और उसके बाद में साथ में क्या है, सिंगल नेगेटिव है आपके पास, ये ठीक, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। XeF2 के लिए सबसे पहले मैं XeF2 के लिए बना देता हूं। तो जब आप XeF2 के लिए बनाएंगे तो आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि आपको एक
रैखिक संरचना मिलेगी, और साथ साथ में इसके पास तीन लोन पेयर मिलने वाले हैं आपको, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉनों के, और एक तीसरा लोन पेयर यहाँ पे नीचे की साइड में मैंने बना दिया है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। और ये जो IF2 वाला है ये साथ में कैसा है, एक सिंगल निगेटिव है, कुछ इस तरह से है ये, देखिए सिंगल निगेटिव है IF2। तो अब देखिए इसका संरचना कैसे बनाएंगे आप, इसकी संरचना को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आई है और फिर से वही चीज, ये हमारे पास है एफ और इधर है हमारे पास एक एफ, और इसमें भी आपको तीन लोन पेयर मिल जाएंगे। तीन लोन पेयर कैसे मिलेंगे, वही चीज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दूसरा मैंने यहाँ पे तीसरा वाला ही बना दिया। ठीक, ये हो गए तीन लोन पेयर। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखिए, मतलब कि जो बंध संख्या है और लोन पेयर की जो संख्या है वो समान है, तो अभीष्ट विकल्प यही होगा। परंतु आइए हम चौथे विकल्प की तरफ भी देख लेते हैं एक बार, जिसमें कार्बोनेट है और सल्फाइट है ना। तो देखिए चौथे नंबर पे चौथा विकल्प जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास ये चौथा विकल्प है, एक में है CO3 है, दो ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, और SO3 है और उसके ऊपर दो माइनस चार्ज लगा हुआ है। सबसे पहले आप कार्बोनेट वाले का स्ट्रक्चर बना लीजिए, जस्ट यहीं पे मैं नीचे की तरफ में बना देता हूं आपके लिए कि कार्बोनेट का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये है कार्बोनेट, यहाँ पे एक ये हो गया हमारे पास यहाँ सिंगल O, और यहाँ पे एक सिंगल O एक माइनस चार्ज के साथ में, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड से जो O जुड़ा हुआ, तो इसके पास तो कोई लोन पेयर बचा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सल्फाइट आयन के लिए देखिए, इसके पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इसके पास ऑक्सीजन की संख्या है तीन। तो यहाँ देखिए एक दो तीन, यहाँ पे हम एक तरह पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक, ये अब इसके पास हो गए चार बॉन्ड, और इनके पास एक एक निगेटिव वाला चार्ज जो आ गया, ये निगेटिव और ये निगेटिव वाला, और इसके क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है छह, तो इसका जो दो इलेक्ट्रॉनिक एक लोन पेयर बचा हुआ है। तब अब ध्यान से देखिए चौथे विकल्प में एक में लोन पेयर है एक में नहीं है, तीसरे विकल्प में जितने लोन पेयर हैं उतने ही बॉन्ड पेयर हैं, दूसरे विकल्प में एक में लोन पेयर है एक में नहीं है, पहले विकल्प में एक में लोन पेयर है और दूसरे में नहीं है। अर्थात ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जो विकल्प नंबर तीन है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो के दोनों ही समान है, यानी ये जो विकल्प है इसकी संरचना एकदम सटीक है, दोनों में उतने ही लोन पेयर उतने ही बॉन्ड पेयर। तो हम इसका निष्कर्ष निकाल करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं उत्तर जो है, उत्तर है विकल्प तीन। मैं यहाँ पे लिखता हूं विकल्प तीन, जिसमें लिखा हुआ है XEF2 कॉमा IF2 सिंगल नेगेटिव। ठीक, ये वाली चीजें हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में समान, मैं यहाँ पे कारण लिख दे रहा हूं, समान बंध युग्म यौम समान इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, इसी के कारण ये जो संरचना है तीसरे नंबर की, ये कैसी है, सम संरचनात्मक है, यानी आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक, डाउटनेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।